अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नाइट क्रीम्स के बारे में बात करेंगे। मिक्स क्रीम्स हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सॉरी टू से, पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ये वीडियो तकरीबन 3 बार शूट कर चुकी हूँ, मेरी जो कैमरे में ये वीडियो शूट नहीं हो रही, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। लेकिन मैंने ये क्रीम्स की वीडियो शूट करनी थी। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि हमें ऐसी क्रीम्स के बारे में बताएं जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हो और जिनकी शादी होने वाली है वो उनको यूज़ कर सके और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। तो मैं ऐसी ही क्रीम उनके लिए लेके आई हूँ। आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप अगर इसको 15 दिन तक यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका जो कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको यूज़ करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पता है कि जो भी इसको यूज़ करेगा उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका लाइव रिजल्ट देखा है। मेरी भाभी यूज़ करती हैं ये क्रीम और कुछ ही दिनों में उनका जो कलर माशाल्लाह से इतना फेयर हो गया, स्किन इतनी ग्लो कर रही थी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई ब्लीच करता है अपने फेस पे तो पहले वो ब्लीच करे, उसके बाद ये क्रीम लगाना शुरू कर दे। 2-3 हफ्ते रुक के फिर ब्लीच करे, आपको बड़े ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्लिंजिंग करे अपने फेस पे, सन ब्लॉक लगा के रखें जिनकी शादी होने वाली है। ये खासतौर पर उनके लिए टिप्स है जिनकी शादी नहीं भी होने वाली, जो खुद भी चाह रही हैं कि वो हो जाए ज़्यादा गोरी, तो उनके लिए ये है। तो मैं अब जो वीडियो अपने मोबाइल से शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करती जाऊँ, ये जो सारी क्रीम्स मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, ये 1000 रुपीज़ की रेंज में मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप किसी पॉलर से लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा महंगी एक क्रीम पड़ेगी। अगर आप खुद बना लेंगे तो 2 से 3 क्रीम्स इजीली बन जाएगी और काफ़ी टाइम तक निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऐड करी है एक ड्यू क्रीम ऐड करी है पूरी, और ये जो है ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है, ब्लू ग्रीन सा जो कलर है, और ये है ड्यू क्रीम की। इसका रिव्यू मैंने शूट की थी ये वीडियो, लेकिन वो भी एरर आ गया तो क्रीम इसके अंदर चली गई है। इसका फुल रिव्यू भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ जल्दी। और उसके बाद मैंने ऐड करी है इसके अंदर गोल्डन पर्ल क्रीम ऐड करी है, ठीक है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। मेरी जो फेवरेट क्रीम है वो गोल्डन पर्ल है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करी है ये जो है बिटनोवेट एन क्रीम यूज़ करी है इसके अंदर। ये भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, सारी क्रीम्स आपको 1000 से 1200 की रेंज में मिलेगी मार्केट से। बिटनोवेट एन क्रीम यूज़ करी है। ये किस पर्पज़ के लिए क्रीम्स यूज़ होती हैं, सारी जो है वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं डिटेल के साथ, आप वो ज़रूर चेक कर लें। अगर मैं इसमें बताने बैठ जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बिटनोवेट क्रीम ऐड करिए इसके अंदर, एक पूरी मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद मैंने हाइड्रोक्वीन प्लस ऐड की है, ये भी एक पूरी ऐड कर दी है, ये देखिए आपके सामने है। और उसके बाद मैंने ऐड करी है इसके अंदर क्लोबोवेट क्रीम है, ये भी मैंने पूरी ऐड कर दी है। और ये सारी ऐड करने के बाद एक जो इसके अंदर है वो मीना क्रीम जाएगी, इस तरह की ये है। इसका रिव्यू काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे है। तो इससे पहले भी मैंने एक मिक्स क्रीम नाइट क्रीम बनाई थी जो यूज़ की है, अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसके भी। और लेकिन अगर आप ये यूज़ करेंगे ना तो इससे आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। मीना क्रीम मैंने ऐड की है। जैसे कि मीना क्रीम की बात कर लूँ तो आप इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रीम है ये मीना है, लाइक देखिए ऐसे है जैसे कि हम आम रूटीन में फाउंडेशन बेस यूज़ कर रहे हैं, आप इसको एज अ फाउंडेशन बेस यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, कोई भी बेस आपके फेस पे सूट नहीं करती, तो आप इसको अपने फाउंडेशन में मिक्स करके रख सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। थाईलैंड की ये क्रीम है, अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। और कुछ दिन तक अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने अपने फेस पे कोई लाइट सा फाउंडेशन अप्लाई किया है, इतने अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ये तो मैंने पर्सनल भी यूज़ किया है, इसका रिव्यू डिटेल से दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये 2 आर्ची क्रीम्स ऐड की हैं, ये भी बड़ी अच्छी हैं जैसे कि सबको पता है। अभी मैंने इसकी जो है इसके अंदर ऐड की हैं, ये ना कोई कहिएगा कि बिल्कुल भी ऐड नहीं की, ऐसे फेक वीडियो बना रही है, तो सॉरी यार मेरी वीडियो में एरर आ गया था। अदरवाइज मैंने आपके सामने सारी क्रीम्स ऐड करनी थी। ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये ग्रीन है, वाइट है, इसके नीचे भी है। और उसके बाद मैंने ऐड करना है इसके अंदर 5 कैप्सूल्स वाइटनिंग के जाएंगे और 1 गोल्डन पर्ल का सीरम जाएगा। ये सारी क्रीम्स मैं बार बार बता रही हूँ, 1000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगी। ये गोल्डन पर्ल का सीरम है, तो ये अब इसके अंदर डालेंगे, इस तरह का है कुछ अंदर से। इसका रिव्यू भी दिया है, चेक कर लें। ये अब किसी और क्रीम में भी ऐड कर लें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप वाइटनिंग सीरम कोई और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप गोल्डन पर्ल का ही ऐड करें क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं।
जो कि मैं देख चुकी हूँ, खुद भी यूज किया है मैंने। आप इसको जिनकी स्किन ऑयली है, एक्नी प्रोन है, वो यूज कर सकते हैं। इसको एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ फेशियल यूज कर रहे हैं तब कर सकते हैं। डिटेल में रिव्यू दिया गया है, आप चेक कर लें। और पांच इसके अंदर जाएंगे विटामिन ई के, वो सॉरी वाइटनिंग कैप्सूल। अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल यूज कर रहे हैं आम रूटीन में, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑप्शनल है। अगर घर में अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से आपने इसको अंदर से निकाल के आपने ऐड करना है। यही चीजें हैं जो हमें जल्दी रिजल्ट देगी। और ट्रस्ट मी, आपको 15 डेज में, आपको 15 डेज तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रही हूँ, आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और जिनकी शादी होने वाली है वो इसको ज़रूर यूज़ करें। और मैं ये सारे कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर लूँगी अभी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये पांच कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से आपने इसको निकालना है। ये पांचों के पांचों मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ज्यादा अच्छा तरीका होगा, आप जितने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट इसका जल्दी मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से हैंड को वॉश कर लें। एक और टिप देती जाऊँ, आप जिस भी बर्तन में, जिस भी बॉल में इसको बना रहे हैं, वो अच्छे से साफ हो, क्लीन हो, और उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो, और उसमें बनाएं आप। और आपने इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लें, जैसा कि आपके सामने मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। और अच्छे से मिक्स करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, जब तक ये खत्म नहीं होगी, इतनी जल्दी ये एक्सपायर नहीं होती। अच्छे से मिक्स करके रख लें। रात में आप इसको लगाना कैसे है कि फेस को वॉश करें और ऐसे लगाएं कि आपकी स्किन ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, और उसको छोड़ दें, एक एक थोड़ी लेयर ऊपर भी रहने दें, और इसको लगा के आप रख लें, सुबह को फेस वॉश कर लें। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह के कलर में ये आ जाएगी। आपने इसको फिर लगाना है ऐसे है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब जैसे आम क्रीम लगाते हैं, लगा के आपने अच्छे से अपनी जो है फेस पे लगाना है कि ऑब्जर्व हो जाए, और एक लेयर थोड़ी सी जो लेयर है वो हमारे ऊपर स्किन के भी रहे। और सुबह उठ के अपने फेस को वॉश कर लें। जिस फेस वॉश, जो भी आप से यूज़ करते हो, सोप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आपने इस तरह इसको यूज़ करना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो मैंने इसमें ऐड की है एक गोल्डन पर्ल क्रीम ऐड करी है इसमें अंदर, एक मैंने ऐड करी है ड्यू क्रीम, और उसके बाद मैंने ये जो मीना क्रीम है ये ऐड की है, और गोल्डन जो पर्ल का वाइटनिंग सीरम ऐड किया है, हाइड्रोक्रीन प्लस ऐड की है, और बिटनोवेट एन क्रीम ऐड की है, क्लोबोवेट ऐड की है इसके अंदर मैंने, और ये जो है आर्ची क्रीम ऐड की है, और इसके अंदर मैंने पांच कैप्सूल्स ऐड किए हैं वाइटनिंग के। ये इसके अंदर मैंने रखे हुए थे, आई डोंट नो कहाँ चले गए। देखें, पांच कैप्सूल्स मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। मैंने सारा कुछ आपके सामने बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ये आपको 1000 तक मार्केट में मिल जाएंगी, इजीली किसी भी स्टोर से आप जाके ले लें, आपको ये मिल जाएगी। और आप इसको बना के फ्रिज में रख लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपने इसको ऐसे बनाना है कि ये जो जिस बॉल में बना रहे हो बिल्कुल क्लीन हो, और आपने इसको अच्छे से ढक के आप फ्रिज में स्टोर कर लें, और ऐसे लगाएं जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। ये थी मेरी वीडियो। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।